भूरेवाला में साहूका और मौजा ज्योतिका के मकाम पर बनाए गए हिफाजती बंध टूट गए हैं। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मियां शाहिद सलीम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में जो है हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद साहूका और मौजा ज्योतिका के मुकाम पर जो बनाए गए हिफाजती बंद जो है वो टूट गए हैं और दरिया का पानी जो है दर्जनों बस्तियों में दाखिल हो गया है। पानी के तेज बहाव के बायस जो है जमीन के कटाव का अमल जारी है। मुतद्दद जो राबता सड़कें हैं जो वो पानी के साथ बह गई हैं, जिसकी वजह से बस्तियों का जमीनी राबता जो है वो भी मुनकता हो चुका है। इलाका मकीन जानवर जो माल मवेशी जो हैं वो पानी में फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमों की जानव से पानी से निकालकर जो महफूज मुकामात की पर जो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि तेज बहाव की वजह से जो जरई रकबा जो वो भी जेरे आब आ चुका है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग फंसे हैं जिनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। जी इनकी तादाद जो है काफी ज्यादा है और मुकामी इंतजामिया के पास शायद इतने वसाइल भी नहीं है कि वो तमाम लोगों को बर वक्त जो है जो रेस्क्यू कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो महफूज मुकाम पर जा रहे थे, लेकिन उनके पास अब इतने वसाइल नहीं है, वो पानी के अंदर जो है वो घिर चुके हैं। जो मुकामी अफराद है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि पानी का बहाव जो है वो मजीद तेज हो रहा है और मजीद जो है जमीन का जो रबते जो है वो मुनकता होने के इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया मियां शाहिद सलीम, आप हमें बता रहे थे बुरावाला से, जहां साहूका और मौजा ज्योतिका के मकाम पर बनाए गए हिफाजती बंद टूट चुके हैं, दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।